वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नितिन गडकरी का दिलचस्प बयान, कहा आजकल हर कोई दुखी है। विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सीएम कब चले जाएं पता नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने विभाग बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। सोमवार को राजस्थान के जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने फिर ऐसा कुछ बोल दिया कि सब हैरान रह गए। इसकी चर्चाएं हो रही हैं। नितिन गडकरी बोले कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसीलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिया जाए। खास बात यह है कि गडकरी का ये बयान तब सामने आया जब बीते दिन ही गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बीजेपी ने विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया और भूपेंद्र पटेल को उनकी जगह लाया गया। नितिन गडकरी का बयान, आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। विधायक इसलिए दुखी है क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए। मंत्री इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। अच्छे विभाग वाले इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जो मुख्यमंत्री बन गए वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि अब कब रहेंगे कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। राजस्थान की विधानसभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने हिस्सा लिया था। उन्होंने यहाँ कहा कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना ही है, लेकिन आजकल इसे सिर्फ सत्ता हथियाने से जोड़कर देखा जाने लगा है। लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल ही के दिनों में कई मुख्यमंत्रियों को अचानक ही बदल दिया गया। पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को लाया गया, बाद में उन्हें भी बदल दिया गया और पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई। फिर कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोमई को लाया गया और अब गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि हर बार की तरह बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ले रही है और इस बार भी राज्य की कमान ऐसे शख्स को सौंपी गई है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज।